हेलो दोस्तों, अभी जो है रेलवे ने आरआरबी जेई के रिजल्ट को लेकर के रिप्लाई दिया है ट्विटर के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ से ट्वीट हुआ है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रिसेंटली डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑफ आरआरबी जेई अगेंस्ट नोटिफिकेशन CN03/2018 रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन 16 अगस्त 2019। यहाँ पर हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, 13 अगस्त को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसके बारे में इन्होंने देखिएगा क्या लिखा है, इनका आरआरबी का ऑफिशियल जवाब आ चुका है फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 19 अगस्त 2019 न्यू दिल्ली की खबर है। क्लेरिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिगार्डिंग रिसेंट रिजल्ट ऑफ जेई एग्जाम ऑफ आरआरबी। इन ए सेक्शन ऑफ द मीडिया देर आर रिपोर्ट रेजिंग क्वेश्चन एंड डाउट अबाउट द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेई आईटी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए अगेंस्ट CN03/2018 बाई आरआरबी ऑफ इंडियन रेलवे हुज रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन 16 अगस्त 2019। द पीएनसीज मेंशन इन द न्यूज रिपोर्ट्स आर अनफाउंडेड, जो है अनफाउंडेड पाए गए हैं, कोई भी इनके अंदर सही नहीं है। द एंटायर प्रोसीजर हैज बीन कैरिड आउट इन रेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, जो भी किया गया है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर किया गया है। स्ट्रिक्टली इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटेल इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN03/2018, जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन था सब का सब वैसा ही हुआ है, फेयर तरीके से हुआ है, इन्होंने ऐसा बोला है। आगे इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, देखिएगा द फर्स्ट स्टेज सी बी टी हैज क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस एंड कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द सेकेंड स्टेज सी बी टी एज पर द मैथडोलॉजी डिस्क्राइब्ड इन सी ई एन, हैंस ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिफाइंग पेपर कट ऑफ मार्क्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट एटसेट्रा रेज इन दिज मीडिया रिपोर्ट इज ऑल रॉन्ग एंड अनफाउंडेड, क्लैरिफिकेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज एटेंडेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी हुआ है फेयर तरीके से हुआ है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स आरआरबी ने जो जवाब दिया है बिल्कुल ही घटिया जवाब दिया है और इससे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। हमें जो है प्रोटेस्ट और तेज़ी से करना है और हमको जो है रिवाइज रिजल्ट लेकर के रहना है, हमें नहीं मानना है। जैसे कल 19 अगस्त को जो है बहुत तेज़ प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा महाआंदोलन था, इसी प्रकार हमें आगे भी महाआंदोलन करना होगा और जो है रिवाइज रिजल्ट लेकर रहना होगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और अभी के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।